आपकी स्किन से सारी झाइयों को ख़त्म करेगा, आपकी स्किन पर जितनी भी झुर्रियाँ होंगी उनको ख़त्म करेगा। और ये फेस पैक आपकी स्किन से जितने भी ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स या कील मुहासे जो भी आपकी स्किन पर है सबको ख़त्म कर देगा, और साथ साथ आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा। आपकी स्किन इस फेस पैक से शाइन करेगी और नेचुरल आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। चलते हैं हम वीडियो की तरफ कि हमने इस फेस पैक को किस तरह रेडी करना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल शहजादी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आप सबका वेलकम। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टिप्स लेकर आई हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। वीडियो को शेयर करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूँ कि ये टिप्स उनके लिए है जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। मैं झाइयों के लिए एक फेस पैक तैयार करने वाली हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए हनी यानी कि शहद। ये शहद हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और यह हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 1 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पर हनी लिया है। हनी हमारी स्किन से दाग धब्बों को दूर करता है, हमारी स्किन पर जितनी भी डस्ट होती है उसको रिमूव करता है और हमारी स्किन पर जितनी भी एक्नी या पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है उसको भी ये दूर कर देता है, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और साथ साथ हमारी स्किन पर जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उनको ये आसानी से ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। लेमन हमारी स्किन पर नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है, हमारी स्किन से डस्ट को रिमूव करता है और साथ साथ हमारी स्किन पर जितनी भी गंदगी होती है उसको बाहर निकालता है। लेमन में नेचुरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और यह हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम इसको स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा फेस पैक बनकर रेडी हो चुका है। तो हमने इसको अप्लाई कैसे करना है? आपने फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको इस तरह से अप्लाई करना है और तकरीबन 5 मिनट तक इसका मसाज करना है। आपने 5 मिनट तक मसाज करते रहना है। ये होम रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये नेचुरल चीज़ों से तैयार की गई होती है। 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आपने इसको ऐसे ही तकरीबन 5 मिनट तक छोड़ देना है और उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है या फिर आप किसी स्पंज की मदद से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। मैंने हैंड्स को कर लिया अच्छे से वॉश। या आप इसके लाइव रिज़ल्ट देख सकते हैं। पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपने तकरीबन इसको हफ्ते में 2-3 बार लाजमी ट्राई करना है। इससे आपके फेस पर जितनी भी झाइयाँ होंगी, झुर्रियाँ होंगी, स्किन पर जितने भी ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स होंगे सबको ये रिमूव कर देगी। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको बआसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।